मुझे लग रहा है कि ये जो आप कर रहे हैं ना, वो हर जगह होना चाहिए। वो क्यों नहीं होता है मुझे नहीं पता, बट सच में होना चाहिए, बिकॉज यू नो वी आर ऑलवेज देयर इन फ्रंट ऑफ कैमरा। आप लोग कभी दिखते नहीं, आपकी ओपिनियन जो है, आपके भी चेहरे दिखें, आपकी जेन्युइन ओपिनियन जो है लोगों तक पहुंचे। And I think this is a great initiative started by you today. रमाकांत मुद्दे जी तकरीबन 40 सालों से हैं। कुछ भी जो बोलना है बोलिए, खड़े होके बोलिए, बैठ के बोलिए, सामने आइए। अरे जो बोलना है मत बोल भाई, बोल अच्छा। सर ये लीजिए माइक आ जाइए, आप आइए। गाना कितना अच्छा लगा यही बोलो सर। सेंटर में आइए। तो मैं थोड़े दूसरे इवेंट से लेट आया हूँ, गाना खत्म हो चुका था, फिर से प्ले करेंगे आप। मगर जब इन्होंने आज लव यू कहा तब मेरी एंट्री हुई थी। तो बाद में डिवोर्स की जो बात हुई तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा एल्बम है, और पिक्चराइजेशन जो है, फोटोग्राफी मेरा सब्जेक्ट है, तो फोटोग्राफी भी बहुत अच्छा शूट किया है। बारिश के मौसम का लगता नहीं वैसे, वो बारिश में शूट किया, मगर वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। क्या बोले। और लास्टली मानव मंगलानी की टीम से स्नेह जाला, कहाँ है आप, कहाँ गए स्नेह जाला, काम है प्लीज। ओके कोई बात नहीं है। अच्छा एक आखिरी चीज इस गाने के साथ साथ, देखिए आपने अर्जुन बहुत अच्छी बात कही है कि हम मीडिया लोगों के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, बहुत कम स्टार सोचते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, राइट। तो पिछले कई सालों से हम लोग एक अवार्ड फंक्शन जो है ऑर्गेनाइज करते हैं जिसका नाम एक्सपेंडेबल अवार्ड, और इस साल फिर से वो होने वाला है। उसका मकसद यही है कि बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट जो दिल्ली में बैठे रहते हैं उनको तो फैसिलिटेट पूरी दुनिया करती है, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पे जो लोग काम करते हैं, जो रिपोर्ट अपनी जाकर के उनको देते हैं और जो दिखाते हैं, जिससे आपको पब्लिसिटी मिलती है, हमारी फिल्म को पब्लिसिटी मिलती है, वो यही सारे हीरोज हैं जो आपके सामने बैठे हुए हैं। तो इन हीरोज को हम हर साल फेलिसिटेट करते हैं जिसका नाम एक्सपेंडेबल अवार्ड, और इस बार हम आप सभी को इन्वाइट करने वाले हैं, प्लीज जरूर आइएगा। मैं जरूर आऊंगा यार, 100% आऊंगा। तो अब मीडिया जर्नलिस्ट के लिए राउंड ओपन अप है, आप जो भी सवाल पूछना। पोस्टर जो आपने रिलीज किया था वो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ, और अब इस तरह के टॉपिक के ऊपर बात करना, सर क्या क्या प्लान्स है, मतलब हर इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए उस बारे में सर। नहीं अच्छी बात है, चीजें सामने आ रही हैं, और जैसे डिवोर्स वाले केस में मैं देखता हूँ, पर्सनली मैं देखता हूँ कि लड़का अगर डिवोर्स करता है तो ठीक है, उसके लिए तो नॉर्मल बात हो जाती है, चलो भाई दूसरी शादी हो जाएगी। जैसे लड़की की तरफ से ना बहुत दिक्कत होती है, तो हमने थोड़ा ये दिखाने की कोशिश की है, और धीरे धीरे चीजें खत्म भी हो रही है, तो अच्छे अच्छे टॉपिक ला रहे हैं फिल्म के जरिए। जो रिस्पॉन्स मिला है पोस्टर जो लॉन्च किया उसके ऊपर, सर क्या रिएक्शन आए लोगों के, क्या कमेंट्स आए, अगर उस बारे में कुछ बताएं, क्योंकि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था और मैंने देखा ट्विटर पे भी ट्रेंड हो रहा था सर। हाँ काफी अच्छा रिस्पांस। अरे यार आज इसी गाने की बात करते हैं, छोड़ दो तुम क्या अलग, फिर तुम बोलोगे बूंदी रायता। तो अभी आज इस गाने की बात करते हैं, तो प्लीज पूछिए आप। दो मैं देता हूँ। मेरा सवाल अर्जुन से। अर्जुन यार तो वायरल हो चुका है, इसको वायरल कर। अर्जुन हर जब आप किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं, जब भी किसी प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहते हैं, क्या आपको खास लगा? और जब आपने बड़ा, मैंने महसूस किया आपने बड़ा जोर दे के बात कही कि एक डिवोर्सी से शादी करना, तो आप क्या रिएक्शन था द मोमेंट मेकर आस्क यू टू बी ऑन बोर्ड एंड बिफोर द नरेशन और आफ्टर द नरेशन यू केम ऑन बोर्ड, और दिस वाज द मेन रीजन बिहाइंड? This was one of the main reasons that I did the song, because see, usually if you've seen the songs that I do, always have a story to it. I don't usually do songs that are just just looking good or you're just dancing and there's no kahani. Mostly the songs that I've done, 90% of them have a story. और मुझे लगता है acting oriented जब कोई script होती है, चाहे वो मतलब 4 मिनट का गाना ही क्यों ना हो, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एंड आई थिंक लोगों को वही चीज़ पसंद आती है जो उनको दिल को छुए, जो उनके दिल को छुए। तो मुझे लगा कि ये जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी लोग उन्हें पसंद आएगा, कि इट इज़ नॉर्मल टू फॉल इन लव विद समबडी हु इज़ ऑलरेडी मैरिड एंड डिवोर्स्ड, उसमें कोई बुराई नहीं है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो चीज़ जो है सोसाइटी में एक्सेप्ट होनी चाहिए। इनफैक्ट कल ही, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं कल ही अपने एक बचपन के स्कूल के दोस्त के रोके में गया था, तो मेरे दोस्त का डिवोर्स हो गया था और उसका ये फिर से उसकी शादी हो रही है और उसका रोका था। तो बड़ा उसने यूजुअली दे हैव अ ग्रैंड फंक्शन, उसने बड़ा छोटा फंक्शन रखा, सिर्फ इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को बुलाया था। तो मैंने उसको पूछा तूने ऐसे क्यों किया, बिकॉज लड़की की फैमिली चाहती थी कि यू नो थोड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन हो, तो वो थोड़ा हिचकिचा रहा था। तो मैंने उसको बोला कि ये जो तू कर रहा है वो गलत है एंड यू शुड, जो तेरा पास्ट है वो पास्ट है और उसको भूल के यू शुड गिव योर सेल्फ अ सेकेंड चांस, और शादी तेरे को जैसे करनी है धूमधाम से करनी है। तो मैंने उसको अब सजेशन दिया है कि गोवा जाके डेस्टिनेशन वेडिंग कर, एंड आई होप कि वो जो है मेरा सजेशन लेगा, बिकॉज उसमें जो लड़की आपके लाइफ में आ रही है या लड़का आपके लाइफ में आ रहा है उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। सो दे शुड गेट एज मच एज लव एज दे डिजर्व। तुम्हारा एक पास्ट है उससे उनके मतलब उनसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा ये मानना है। आलिया, पहले आपसे सवाल है, फ्रॉम बीइंग अ सोशल मीडिया सेंसेशन टू फीचरिंग इन दिस टाइप ऑफ वीडियोस जो कि बहुत ही खूबसूरती से निकल के आए हैं, उसके अलावा आप बॉलीवुड में भी डेब्यू कर रहे हो, उसके लिए पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बगल में जो आपके इतने खूबसूरत इंसान खड़े हैं, जो कि उनसे भी पूछना चाहूंगा, अर्जुन कैसे बैलेंस करते हो होस्टिंग, एक्टिंग, और आपसे आपके फैंस अब चाह रहे हैं कि आप भी बॉलीवुड में जल्द डेब्यू करो इतने सालों से, और ये जो आप दोनों की मतलब वो खूबसूरती का राज भी जानना चाहेंगे। इतने साल से अर्जुन आपको देख रहा हूँ, वो फिटनेस वैसी की वैसी है, लेफ्ट राइट जितने भी अभी तक देख रहे हैं। पहले आलिया आप आंसर करिए, फिर अर्जुन आप। तो जब मैं इन्हें फर्स्ट टाइम मिली, मैंने एक्चुअली सॉन्ग हाँ बोला इनकी वजह से, बिकॉज आई वॉज हिज बिग फैन इन माई स्कूल डेज एंड आई से टेल हिम लेफ्ट राइट लेफ्ट, मैं आपका बहुत बचपन में आपको देखती थी। बोला ठीक है। फिर उन्होंने स्टोरी मुझे एक हफ्ते के बाद सुनाई जब मैंने इनको देख के हाँ बोला, फिर देन वी मेट, और ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन इवन इन रियल लाइफ, मतलब ही इज़ सो हेल्पफुल टुवर्ड्स मी। मतलब मैंने अपना एक्सपीरियंस किया कि वो मुझे सिखा रहे थे कि देख ऐसे ऐसे गिरती है, वैसे ये नहीं, ये टिकटॉक नहीं बना रही है तो ये, अभी हम आगे थोड़ा एक स्टेप आगे ले रहे हैं। एंड इवन फॉर द मूवी ही सजेस्टेड कि तुम करो ये करो। तो अभी मैंने एक हफ्ते पहले एक मूवी साइन की है राहुल रॉय की, तो इंशाल्लाह लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि आगे मैं अपना फ्यूचर इन्फ्लुएंसर से दो स्टेप आगे बढ़ूं। सो थैंक्स अर्जुन फॉर हेल्पिंग मी। तो पहले फिटनेस की बात करो, आई थिंक फिटनेस इज समथिंग दैट एवरीबडी शुड फॉलो एवरी डे, और मैं भी वो करता हूँ। ऑब्वियसली फूड डाइट इट ऑल मैटर्स, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है यंग दिखने के लिए, यंग रहने के लिए, वो है खुश रहना और हंसते रहना। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर स्ट्रेस्ड अबाउट थिंग्स दैट वी शुडंट बी स्ट्रेस्ड अबाउट, और कोविड ने शायद हम सबको ये सिखा दिया था वो 2 साल में कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लाइफ में इतना उसके बारे में सोचते थे जो ज़रूरी भी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि आई एम द वे आई एम बिकॉज मोस्टली आई एम स्माइलिंग। मेरे लाइफ में भी कई प्रॉब्लम्स आई हैं बट आई हैव ऑलवेज फेस देम विद अ स्माइल, एंड मुझे लगता है कि दैट रियली वर्क्स यू नो, कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे उतना ज़्यादा बूढ़े लगोगे सिंपल है। फिल्मों में कब आ रहे हो? बहुत जल्दी। obviously had done some meetings, have had some narrations, इसके बाद भी एक narration है, so I'm really excited कि अब ये सब हो रहा है मेरे साथ भी। I've done a small cameo in cameo नहीं, it's a guest appearance actually, वो आया था अभी मीडिया में करण सर के साथ में, so उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ कि that was my dharma moment, so I was very excited and happy, and yes I'm hoping to do better work in future। और मेरा एज एन आर्टिस्ट काम यही है कि मैं पूरे जी जान से मेहनत करूं और जो भी काम मुझे मिले उसको ऑनेस्टी के साथ करूं। मैं आज तक वही करते आया हूं एंड दैट्स व्हाट आई एम गोना डू इन द फ्यूचर। नहीं ये बिल्कुल सही बात है। जब हम लोग सेकंड डे शूट कर रहे थे, बारिश में फंस गए थे, तो मैं बहुत स्ट्रेस में आ गया था, तो बोलते हैं अरे भाई टेंशन मत लो, खत्म करके ही जाएंगे अरे भाई स्ट्रेस मत लो। 2-3 बार तो सीरियसली बहुत सपोर्ट किया अर्जुन ने, और ये स्माइलिंग वाली बात तो मैं भी अब खैर फॉलो करूंगा। ये स्ट्रेस में भी बड़े स्माइल कर रहे थे, मैंने भाई आपको टेंशन नहीं हो रही है, बोले खत्म करके जाएंगे, आप भी टेंशन मतलब ऐसे ही स्माइल करो अर्जुन जी मेरा सवाल, अर्जुन जी स्ट्रेट लास्ट पे सॉरी। अर्जुन जी गाने की मैं बात करूं, गाने की शुरुआत काफी अच्छी हुई है, काफी अच्छे व्यूज आए हैं। इसके अलावा आपकी जो वेब सीरीज है रूहानियत, हाईएस्ट रेटिंग है, 9.1 की रेटिंग चल रही है, विच इज वेरी हाईएस्ट. सो डू यू थिंक आप अपने फैंस को पहले तो क्या कहना चाहोगे? इतनी अच्छी प्यार मिल रहा है, सेकेंड सीजन भी काफी अच्छा गया है, थर्ड सीजन के लिए वेट कर रहे हैं, एंड डू यू थिंक योर मोस्ट ऑफ द फैंस आर ऑन द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स राइट नाउ? I'm very very happy that you asked me this question because जो रूहानियत में मेरा किरदार है सबीर राठौड़ का, I think it's one of the best characters that I've done till date. और you know अभी सेकेंड सीजन आ गया है और सेकेंड सीजन लोगों को इतना पसंद आया because actual drama जो है it was the first time लोगों ने मतलब we tried the long format जहाँ 8 एपिसोड में कहानी खत्म नहीं हो रही है, 40 एपिसोड में हो रही है. सो इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट इन इट सेल्फ. तो मेरे लिए भी एक चैलेंज था कि एक वेब सीरीज कर रहा हूँ वो 40 एपिसोड की है, पता नहीं लोगों का क्या रिस्पॉन्स आएगा, पसंद आएगा नहीं आएगा. बिकॉज क्या होता है कि थोड़ा कहानी को आप एलोंगेट करते हो बिकॉज इट्स ऑब्वियसली 40 एपिसोड्स. बट जो सेकेंड सीजन का रिस्पॉन्स आया है बिकॉज द थ्रिल एंड the romance has increased in the second season and now it is the highest rated show on OTT. तो मुझे बहुत खुशी है और हर जगह Twitter हो, Instagram हो, तो शो की बहुत तारीफ हुई है and I'm really really happy that I was a part of Ruhaniyat. Hello अर्जुन सर. Hello. पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं सर. Thank you. सर आपके जितने भी शोज होते हैं, मेरा सवाल आपसे है, जितने भी शोज होते हैं आपके उसमें आप शादियां बहुत करते हैं, 2-3 शादियां, और गाने में भी आप शादी कर रहे हैं सर. आप क्या बोलना चाहेंगे सर इस बारे में? मैंने निजी जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में बहुत जल्दी कर ली थी, तो मुझे लगता है हर एक साल की कभी शादी करनी चाहिए. इसलिए हाँ, नेहा हैज ऑलवेज बिन वेरी सपोर्टिव एंड शी वो तो मुझे कहती है कि आई लव सीइंग यू रोमांसिंग. तो दैट इज वन गुड एस्पेक्ट, उसमें मैं बचा हुआ हूँ, तभी ऐसे काम कर पाता हूँ. बट ऑन अ सीरियस नोट, ऑब्वियसली अगर आप एक रोमांटिक हीरो हो और हर गाने में देखो लड़का लड़की तो होते ही हैं, किसी में शादी होती है तो किसी में नहीं होती है. बट व्हाट आई रियली लाइक इज कि हर बार अलग अलग छोटी छोटी, इट्स लाइक अ शॉर्ट फिल्म, यू नो, म्यूजिकल शॉर्ट फिल्म, तो मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है करने के लिए. इसलिए मैं म्यूजिक वीडियोस करता भी हूँ विच आर स्टोरी बेस्ड. तो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर एन एक्टर टू शो अ बंच ऑफ इमोशंस इन जस्ट 3-4 मिनट्स एंड पीपल लव इट सो मच. मेरा सवाल है लिरिसिस्ट से. गाना बहुत बढ़िया सर, यहाँ पर गाना बहुत ही बढ़िया लिखा गया है और डायरेक्टर साहब से सवाल दोनों से, और बहुत ही ज्यादा लगता है कि एक नई तरह, एक नई चीजें बयान कर रहा है, क्योंकि डाइवर्सिटी जहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्योंकि रियल लाइफ में क्या होता है कि सीधी बात जो हम भी देख रहे हैं कि डाइवर्सिटी जहाँ पे उसको हटा देते हैं, स्पेशली लड़के की अगर स्पेशली बात करें वो नहीं करता है नॉर्मली. तो ये गाना एक तो बहुत बढ़िया मैसेज दे रहा है, जहाँ पे आपका एक लिरिक्स में एक लाइन है कि पानी भी थमसा गया है, तो नूर ही नूर बिखरा हुआ है. जी, तो बहुत ही एक तो नॉर्मल गाने से ज्यादा उठ के आता है गाना और बहुत ही एक रूहानियत जैसा फील देता है गाना. तो ये बहुत बहुत मतलब अच्छा है. जैसे सर ने भी कहा, अर्जुन सर ने, कि 90s का वो जो मेलोडी है आप लेकर आए हो सर, इस तरह के बेहतरीन गानों में एक बहुत ही बड़ा मतलब बहुत अच्छा लगता है ऑडियंस को. तो क्या कहना चाहेंगे डायरेक्टर साहब से और लिरिसिस्ट आपसे पूछना चाहूंगा, क्या है इस गाने की, जैसे म्यूजिक के बारे में थोड़ा बताइए. थोड़ा ये गाने के बारे में मैं बताता हूँ. सबसे पहले ये लिरिक्स लिखा था, फिर उसके बाद मैंने कंपोज किया था. कमल भाई डायरेक्टर साहब, हमारे प्रोड्यूसर साहब, इनकी चॉइस था इतना अच्छा गाने लेने के लिए. क्योंकि दीपक जी को ही थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि अच्छे गाने बहुत कम प्रोड्यूसर पास करते हैं जो सोलफुल होते हैं, रोमांटिक होते हैं, अच्छे लिरिक्स होते हैं. तो ये सारा क्रेडिट सर को जाता है, दीपक जी को. तो आपने लोग क्या बनाया हमने, लेकिन जो पैसा लगा रहा है, जो आप लोगों तक पहुंचा रहा है, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा. और बहुत ही मेच्योर्ड है, जैसे मैंने कहा बहुत ही मेच्योर्ड है. कुछ कहेंगे डायरेक्टर जी? चाहूँगा, बहुत ही मेच्योर्ड सॉन्ग है, आजकल मतलब बहुत कम सुनने देखने को मिलता है ऐसे गाने. हाँ, अब सोलफुल तो है और मीनिंगफुल है, सबसे बड़ी बात है. जो लिरिक्स हैं इजी है, दिमाग में एकदम घुसने वाली है बहुत जल्दी से, तो वही खासियत है गाने की. तो जो बाकी हमने वीडियो से बनाने की कोशिश की है कि जल्दी और आगे तक जाए, निकल के जाए चीजें, तो वो ये कि इजी लिरिक्स है और लिरिक्स, और आजकल तो लिरिक्स देखो ना क्या कुछ भी बोलते हैं, समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। तो ये है कि एक बार में जब आदमी सुनेगा तो उसको फील करना शुरू कर देगा, वही खासियत है इस लिरिक्स की इनकी। आपसे पूछना चाहूंगा मैं सर, आपसे पूछना चाहूंगा लिरिक्स राइटर साहब से पूछना चाहूंगा। राशिद भाई जी बोलिए। इतनी मतलब जिस तरह की आपकी लिखावट है, जब मैं बात करता हूँ बहुत सोलफुल है, मेरे और भी दोस्तों ने कहा जी मोहब्बत हुई आपको, आप लिखते हैं जज्बात बड़े दो मोहब्बत नीचे खड़े हैं मेरा। मोहब्बत काम से की है मैंने, मोहब्बत आज की मतलब म्यूजिक से की है। क्या बात है, थैंक यू सर। दीपक सर मेरा सवाल बंद कर दिया सर, ये कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और जैसे मैंने अर्जुन के लिए कहा, और मेरे जितने भी मीडिया के साथी यहाँ बैठे हैं उस बात से इत्तेफाक रखते हैं, एग्री करते हैं, चाहे वो रूहानियत की बात करें या उनका जो भी काम आप देख लीजिए, एक वो मोहब्बत वाली इमेज है, रोमांस दिखता है और उनके चेहरे पे नजर आता है, वो जो भी कहते बोलते हैं। आपके जहन में हमेशा अर्जुन थे या यू नो हाउ इट हैपेंड? मैं बताता हूँ, दीपक सर के जहन में थे, दीपक सर के जहन में थे आप, और हमने बहुत कोशिश की आप तक पहुंचने की, और माशाल्लाह आप आ गए साहब। ये दीपक जी की चॉइस थी सबसे पहले। दीपक सर एज अ प्रोड्यूसर सर कितना चैलेंजिंग था इस तरह के सब्जेक्ट को बैक करना स्पेशली, और जैसे सर ने कहा कि सबसे पहले जो है आपने अप्रूव किया था ये प्रोजेक्ट को, तो उस समय क्या थॉट प्रोसेस था गाने को लेके, और जैसे अर्जुन भी ऑन बोर्ड थे, मतलब आपकी चॉइस थे, क्या कहना चाहेंगे सर? एक्चुअली दैट वाज जस्ट अ कैजुअल मीटिंग विद राशिद भाई एंड कमल भाई आल्सो देयर। सो हम सिर्फ इनके ट्रेजर बैंक से सॉन्ग पे सॉन्ग सुनते जा रहे थे। कमल भाई को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा, इतने अच्छे प्रोड्यूसर, इतने अच्छे इंसान मिला है हमको। अरे भाई ठीक, ये सब कमल भाई को क्रेडिट चाहिए। सो हम सिर्फ इनके दंग में सुनते जा रहे थे, तो ये बीच में जब आया तो जैसे थम गया, इसमें वर्डिंग है तो मैं भी थम गया खुद ही। सो दैट मतलब जस्ट अट्रैक्टेड मी वाइडली, तो मुझे लगा कि ये है जो आना चाहिए ऑन स्क्रीन। और गाना करने वाले थे, हाँ सेलेक्ट तो हमने कोई और भी किए थे, लेकिन फिर वो सब किनारे होते चले गए एंड फाइनली वी स्टक टू दिस वन एंड फाइनली ऑन स्क्रीन अच्छे प्लेयर के साथ हम ला पाए। तो आलिया वॉज नॉट इन माइंड बिकॉज वो कोई भी हो वी लॉस्ट इन ब्यूटी ना नॉर्मली। सो एक के बाद एक आते गए एंड फाइनली वी गॉट अ रियली गुड लुकिंग फेस, चार्मिंग फेस एंड द पेयर इटसेल्फ इज शाइनिंग ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। नूर ही नूर इज आउट नाउ, ये गाना आप लोग सुन रहे हैं। हमने इसे बहुत ही खूबसूरत शहर में शूट किया है, तो शहर का नाम है आगरा, ताजमहल। और आई थिंक जो उस जगह का फ्लेवर है वो गाने में भी है, और बहुत मज़ा आया हमें शूट करने में। हालांकि बहुत बारिश हो रही, बहुत दिक्कत भी हुई, बट फाइनली भी आई थिंक सारी इतनी मेहनत के बाद आई थिंक द सॉन्ग इज लुकिंग ब्यूटीफुल। और सबसे खास बात है कि इस गाने में जो मैसेज है कि अगर डिवोर्स हो जाता है ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी लाइफ फिर से शुरू नहीं कर सकती। शी हैज़ ऑल द राइट्स टू स्टार्ट अ ब्यूटीफुल लाइफ अगेन and receive all the love that she should be getting. तो ये सारा मैसेज में सारी जो लड़कियां देख रही हैं, आई थिंक यू नो लाइफ में अपने डाउन होते रहते हैं, है। इसलिए जो हमारी सोसाइटी में एक टैबू बना पड़ा है कि अरे वो तो डिवोर्सी है, अरे आई थिंक काफ़ी हद तक कम हुआ है, लेकिन आई थिंक फिर भी कई शहरों में अभी भी है। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में सबको दोबारा एक मौका ज़रूर मिलेगा। आई थिंक प्यार से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती, तो प्लीज़ उसको कभी भी एक स्टार्ट फ्रॉम योर। किसी लड़की का अगर डिवोर्स हुआ है या लड़की का डिवोर्स हुआ है तो उसे उस नज़रिए से ना देखें कि वो एक खराब इंसान है, इसमें कोई खतरा है। कभी कभी दो लोग इकट्ठे आते हैं, बंदे लोग सोशल मीडिया स्टार्स और आपने गाने के साथ अपना इतना छाप छोड़ दी है, गाने में इतनी अच्छी लग रही है। हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद अर्जुन? तो जब मैं दुबई में थी जब मुझे ये सॉन्ग ऑफर हुआ, एंड आई रियली लव दिस सॉन्ग। स्टोरी मुझे बात भी समझाई गई, बट आई रियली लव दिस सॉन्ग। मैं ठीक है सर करते में जब आऊँगी तब देखते हैं। फिर उन्होंने कहा अर्जुन के साथ, फिर सर अर्जुन बिजलानी, तो मुझे मेरे सर कब करना है। फिर हम आए, मैं अर्जुन सर से मिली, बहुत कुछ सीखने मिला, स्पेशली जो बैकग्राउंड से हम आते हैं इन्फ्लुएंसर है, शायद वो ज़्यादा हमें टैलेंट नहीं होता, बट देन जब अपॉर्चुनिटी मिलती है और अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है, वी गेट टू लर्न अ लॉट। एंड आई थिंक दैट ऑल क्रेडिट गोज़ टू अर्जुन सर, दैट ही रियली हेल्प मी एंड ही इज स्टिल टीचिंग मी, सो ही इज़ अ वेरी गुड टीचर। एंड आई होप कि और काम मिले और सक्सेस हो, एंड इंशाल्लाह हम खूब आगे जाएं। आप तीनों से सवाल है मेरा कि आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, लेकिन बॉलीवुड में भी बड़े लोग, नाम लेना नहीं चाहूँगा, तलाक हमेशा चालू रहता है, उसके बारे में कुछ मैसेज देना चाहिए? जैसा कि मैंने कहा, तलाक किसी की एक ऐसी चीज़ है जो दो लोग जब आपस में नहीं बनती तो वो ये चीज़ हम सब लोग डिसाइड करते हैं उनके लाइफ में उनको क्या करना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है डिवोर्स होने के बाद क्या ये नहीं कि किसी को फिर से जीने का लोग बहुत उसे कैलकुलेट करते हैं या ट्रोल करते हैं, खासकर बॉलीवुड एक्टर्स को या एक्टर्स को या पब्लिक फिगर्स को। तो मुझे लगता है कि हमें नहीं पता होता है किसी की निजी ज़िंदगी में क्या चल रहा है या क्या प्रॉब्लम हुई। तो मुझे लगता है कि ये किसी का प्राइवेट स्पेस है, उस पर कमेंट करके और गंदी गंदी बातें लिख के इट्स नॉट फेयर फॉर दैट पर्सन। एंड हर इंसान को पूरा हक है अपनी ज़िंदगी जीने का, जैसा वो चाहता है वैसा। एंड सबको प्यार करने का भी दोबारा मौका मिलना चाहिए, प्यार रिसीव करने का दोबारा मौका मिलना चाहिए। और इस 3-4 मिनट के गाने से हमने कोशिश यही की कि नूर ही नूर से लोगों तक ये बात पहुँचे और वो इस बात को समझे कि भाई। इसके अलावा रूहानियत कुछ तरह की मैं बात कर रहा था, हाईएस्ट रेटिंग नाइट बॉलीवुड की रेटिंग चल रही है, विच इज द हाईएस्ट रेटिंग राइट नाउ। व्हाट यू वांट टू से टू योर फैंस? आई एम सो ग्रेटफुल कि रूहानियत को इतना प्यार मिला है। रूहानियत एक कमाल की वेब सीरीज है, वन ऑफ द बेस्ट वर्क दैट आई हैव डन। मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। एक एक्टर जब काम कर रहा होता है तो वो सोचता है कि यार एवरीबडी शुड लाइक इट, बट इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। #1 रेटेड ऑन OTT राइट नाउ, जैसा कि आपने कहा 9.1, मुझे भी कल ही पता चला ऑनेस्टली। एंड आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड विद ऑल द रिस्पॉन्स, ऑल द कमेंट्स। और समीर राठौर को और कृष्वीर को एंड कृष और समीर को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड कीप वॉचिंग इट गाइस, इट्स अ ग्रेट शो, वी वर्क रियली हार्ड ऑन इट फॉर अ ईयर एंड I'm glad that you are here. Thank you. क्या रिएक्शन है? गाना सुपर हिट है, बहुत ही अच्छा है, मैंने बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया है और मैंने बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया है और दीपक जी ने प्रोड्यूस किया है। प्रोडक्शन वैल्यू भी है, एक्टर भी अच्छे हैं, गाना भी बहुत अच्छा है। और गाना ये मैं लेना चाहता था लेकिन मेरे मैंने ले लिया, तो बहुत ही अच्छा गाना है और पूरी टीम को मेरी तरफ से 1.5 तारीख को और बताइए परफॉर्मेंस के बारे में क्या करना है, कहना चाहिए? दोनों लाइक अर्जुन एंड अलिया दोनों बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, दोनों बहुत अच्छे लगे। सर आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैं अभी बालाकोट कर रहा हूँ फिल्म, जो जल्दी अनाउंस होगी, और फिर आप लोग अरे सर एक्टर के बारे में कुछ बताएं, कौन होंगे लीड एक्टर? वो उसी तरह की है जैसे पूछ थी उतनी उसी लेवल की है, लेकिन अनाउंसमेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।